हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं आटे से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा सा नाश्ता, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे इवनिंग स्नैक्स की तरह चाय के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चटपटे और टेस्टी से नाश्ते को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो मैंने इसे बनाने के लिए 1 कप आटा ले लिया है, या मैंने गेहूँ का आटा लिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल करके इसे मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका बिल्कुल पतला सा हमें घोल बना करके तैयार करना है। तो एक बार में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर हम इसमें एक बार में ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसमें जो है लम्स पड़ जाएंगे, यानी कि गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे घोल को बना करके तैयार कर लिया है और इसमें कोई भी लम्स नहीं है। ऐसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा, ये गाढ़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो इस तरह से हमने घोल को बना कर तैयार किया है और इसे 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हमने स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल गर्म कर लिया है, जिसमें हम आधा छोटा चम्मच सरसों डाल लेते हैं। और सरसों जैसे ही चटकने लगेगा हम इसमें हींग भी डाल देते हैं। 1 पिंच हींग हमने डाल लिया है। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज से कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को मीडियम फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसमें कोई वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम, मटर, गाजर, इस तरह के आप वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इन सबको मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं, जिससे कि हमारे टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाएंगे और बहुत ही जल्दी गलेंगे। और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और टमाटर के गल जाने तक हमें इसे पका लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें बॉईल किया हुआ आलू डाल लेंगे। मैंने 2 बॉईल किए हुए आलू को हाथ से मैश कर लिया है और इसे हमने डाल लिया है। तो इन सबको हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, जिससे कि ये थोड़ा चटपटा सा बनेगा। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। फ्रेशनेस के लिए हम इसमें धनिया के पत्ते डाल रहे हैं और अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें नींबू का जूस डाल सकते हैं, या तो फिर आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें कोई और भी मसाले डाल सकते हैं, जैसे कि गरम मसाला। और ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल चटपटा और बिल्कुल टेस्टी सा हमारा स्टफिंग जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो ये हमारे स्टफिंग को हम एक तरफ रख लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो ये जब तक हमारी स्टफिंग जो है वो ठंडी होती है, तब तक हम बनाया हुआ जो घोल था हमारा आटे का घोल, उससे हम चीले बना लेते हैं। तो चीले बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन को गर्म कर लिया है, तवा गर्म हो चुका है और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और टिश्यू पेपर से इसे अच्छी तरह से फैला लेते हैं। और अब हम इसमें बनाया हुआ घोल को डाल लेते हैं और इसे जैसे हम डोसा फैलाते हैं उसी तरह से इसे फैला लेना है। चीला को फैलाते वक्त हमें फ्लेम को लो पे रखना है और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर से ड्राई हो चुका है, तो हम इसे साइड साइड से निकाल लेते हैं ये इस तरह से, और इसे पलट लेंगे। तो इसे हमें आधा कच्चा पक्का रखना है, पूरी तरह से इसे हमें नहीं पकाना है क्योंकि इसे हम आगे भी पकाने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ भी ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और ये एक चीला हम लेते हैं और इसमें हम आलू का स्टफिंग डालेंगे। तो 1 से 2 चम्मच स्टफिंग डालेंगे हम इसमें, ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालेंगे। और अब इस चीले को हम फोल्ड कर लेंगे ये इस तरह से, आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ से भी इसे फोल्ड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइट इसे आप फोल्ड ना करें, ये इस तरह से हमने इसे बना करके तैयार कर लिया है। और इसी तरह से हम बाकी के भी चीले को तैयार कर लेंगे।
तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लिया है, और जिस साइड हमने फोल्ड किया था उसी साइड को हम पैन में रखेंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से सील हो जाएंगे। और अब इन सबको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, और बीच बीच में इसे हम पलट लेंगे। तो इस नाश्ते को आप शाम को या सुबह को नाश्ते के में खा सकते हैं, या बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे आप दे सकते हैं। तो ये हमने इसे पलट लिया है, आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है और ये क्रिस्प हो चुका है। तो इसे दूसरी तरफ भी हम पका लेते हैं। तो ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार है, तो इसे हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप भी बनाइए इस टेस्टी यमी से नाश्ते की रेसिपी को, और कमेंट करके बताइए कि ये कैसी बनी। रेसिपी अच्छी लगने पे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।